Hello friends, welcome to our channel Fine Fettle. I hope you are liking the videos shown on my channel. I try to present good videos for you every day on my channel. Keep your love with me, thank you. Disclaimer: the suggestions and tips given in the article are for general information purposes only and should not be taken as professional medical advice. If you have any questions or problems, consult your doctor immediately. oil इसे अरंडी या एरन के तेल के नाम से भी जाना जाता है दवा के रूप में कैस्टर कैस्टरऑल या अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है साधारणतया इसे कब्ज दूर करने या त्वचा पर लगाने के लिए काम लिया जाता है अरंडी का तेल साबुन लुब्रिकेंट ब्रेक फ्लूड डाई कोटिंग पोलिश नाइलोन दवा परफ्यूम आदि बनाने में काम आता है यह अन्य इंडस्ट्री जैसे फूड इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडस्ट्री आदि में भी काम आता है कुछ जगह अरंडी का तेल का उपयोग गे चावल और दाल में डालकर उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है अरण्य के पौधे की बड़ी पत्तियां होती हैं जो लंबी डंडी से तने से जुड़ी होती है पत्तियां चमकदार होती हैं और शुरू में तांबे जैसे रंग की होती हैं बाद में गहरे हरे रंग की हो जाती है इसमें कांटेदार फल लगते हैं जिसमें सामान्य तौर पर तीन बीज होते हैं बीज अंडाकार भूरे रंग के होते हैं इन पर धब्बे और हल्के रंग की लकीरें आदि होते हैं बीज से तेल निकाला जाता है यह तेल ही अरंडी का तेल कहलाता है इसके बीजों में रिसिन नामक विषैला तत्व होता है जो तेल निकालने की प्रक्रिया में गर्मी के कारण प्रभावहीन हो जाता है अरण्य के फायदे दवा के रूप में प्रौढ़ और वृद्ध लोगों को वायु संबंधी परेशानी खासकर जोड़ों में दर्द और गठिया अधिक परेशान करता है ऐसे में अरण्य का तेल व अरण पाक फायदा करता है कमर दर्द में अरण पाक का उपयोग हितकर होता है इसे चिकित्सक की सलाह से खाना चाहिए अरंड का तेल दो से चार बूंद रात को सोते समय लेने से पेट साफ हो जाता है आंतों में जमा मल निकल जाता है और आंते स्निग्ध और कोमल बनती है कुछ दिन लगातार लेने से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है कमर का दर्द कुट्ठों का दर्द हृदय पीड़ा वाद से उत्पन्न दर्द में अरण्य के तेल की मालिश से लाभ होता है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्तन में सूजन और दर्द में अरण्य के पत्ते स्तन से बांधने और अरण्य का तेल लगाने से आराम मिलता है कब्ज के कारण वायु के प्रकोप से पेट दर्द सिर दर्द हृदय पीड़ा आदि होने लगते हैं ऐसी स्थिति में अरंड का तेल गुणकारी होता है यह त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है त्वचा रुखी होकर चटक जाए एड़ी की स्किन फट जाए बिवाइया फट जाए तो अरंड का तेल दिन में दो चार बार लगाने से बहुत लाभ होता है इसके उपयोग के समय गरिष्ठ भोजन इमली अमचूर छाछ दही ज्यादा तेल गुड़ बेसन तथा गैस बनाने वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए अरंडी के बीजों का प्रयोग करते समय बीज के बीच का जीप जैसा भाग निकाल देना चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है कमर दर्द दर्द वाली जगह अरंडी का तेल लगाकर, अरंडी के पत्ते लगाकर सिकाई करने से लाभ होता है अरंडी के बीज की खीर फायदा करती है सिर दर्द वायु के कारण होने वाले सिर दर्द में अरंडी के पत्ते उबाल कर बांधना चाहिए और सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करनी चाहिए सोन्ट के काढ़े में आधा चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर पीने से लाभ होता है दांत में दर्द अरंडी के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से दांत का दर्द कम होता है पेट में दर्द अरंडी के तेल में हींग और काला नमक मिलाकर लेने से आराम आता है अरंडी के पत्ते गर्म करके पेट पर बांधने से आराम मिलता है स्किन फटने पर सर्दी के मौसम में त्वचा या एरिया फट जाती है जो अरंडी का तेल गर्म करके लगाने से जल्दी ठीक हो जाती है जोड़ों का दर्द अरंडी के तेल में सोंठ पाउडर मिलाकर गर्म करके मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम आता है अरंडी के पत्तों से सेक करने से भी आराम मिलता है सोंठ के काढ़े में अरंडी का तेल मिलाकर पीने से लाभ मिलता है अनिद्रा पाव के तलवे और सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है गांठ अरंडी के बीज और हरर सामान मात्रा में लेकर पीस ले इसे अंदरूनी गांठ या फोड़े फुंसी पर लगाने से यह ठीक होती है अंदरूनी चोट अरंडी के पत्ते गर्म करके उन पर हल्दी लगाकर चोट वाले स्थान पर बांधने से अंदरूनी चोट ठीक होती है स्तन में दर्द या सूजन अरंडी के पत्ते पीस कर लेप करने से आराम मिलता है एड़ी में दर्द अरंडी के पत्ते गर्म करके लगाने और ऊपर से पट्टी बांधने से एडी का दर्द मिटता है साथ ही गर्म पानी में अरंडी का तेल मिलाकर पीना चाहिए अरंड से सावधान अरंडी के बीजों में रिसिन नामक विशैला तत्व होता है बीज से तेल निकालने की प्रक्रिया में गर्मी के कारण विशैला प्रभाव समाप्त हो जाता है अरंड के बीज का उत्पादन करने में कुछ खतरा होता है अरंड का पौधा एलर्जी का कारण बन सकता है इस वजह से इसके विकल्पों की तलाश जारी है वैज्ञानिकों द्वारा इसे जेनेटिकली बदलकर इससे होने वाले नुकसान को समाप्त या कम करने की दिशा में रिसर्च जारी है टियर व्यूअर इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो